हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, पेपर लीक मामले को लेकर एसपी सर का क्या बड़ा बयान आया है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसजीपीजीआई के तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की 260 पोस्टों पर यहां पर जो है पेपर कंडक्ट कराई गई थी। पर दोस्तों, यहां पर सीतापुर में दोस्तों आप सभी को पेपर लीक के मामले को लेकर यहां पर सामने आई। तो फाइनली दोस्तों रिपोर्ट क्या आ रही है उसके बारे में मैं आप सभी को विवरण बताने वाला हूं, क्योंकि कई उम्मीदवारों का यह सवाल है कि जिस जगहों पर या सेंटर पर यह धांधली की गई है उस एरिया में सारे पेपर जितने भी शिफ्ट कराए गए हैं उन सभी को रद्द किया जाए और इनकी दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाए। पर दोस्तों, कई लोगों का यह भी मांगना है कि जिन जिन जगहों पर एग्ज़ाम हुई है उन सभी एग्ज़ामों को रोक कर फिर से नर्सिंग ऑफिसर की एसजीपीजीआई की एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए। तो इसके बारे में सारी विवरण आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे ही इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आती है सीतापुर से तो मैं आप सभी को फाइनली जल्द से जल्द जो है अपडेट करूंगा और उसके बारे में क्या विवरण चल रहा है वो मैं आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसका लिंक आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा। दोस्तों, वह सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन से पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो रिपोर्ट क्या है और यहाँ पर कितने आरोपी इसके अंदर थे, यानी कि जो भी धांधली की गई है, इन नकल की गई है, उसके अंदर कितने उम्मीदवार शामिल थे, किस तरह से नकल के पैटर्न को फॉलो किया गया, क्या उसके अंदर यहाँ पर जो है कॉलेजों के लेक्चरर भी क्या उसके अंदर उस धांधली के अंदर या उन कर्मचारियों भी इसके अंदर शामिल थे या नहीं शामिल थे, इसके बारे में सारी रिपोर्ट की आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रहते हैं कि एनबीटी की तरफ से, नवभारत टाइम की तरफ से ये अपडेट आई है जिसमें कि बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर आप देते हैं कि एसपीजी लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर में धांधली, यहाँ पर जो है सीतापुर में पकड़े गए 11 नकलची मुन्ना भाई, यानी कि दोस्तों आपने मुन्ना भाई पिक्चर तो देख ही होगी, उसके अंदर जिस तरह से एमबीबीएस की डिग्री के लिए यहाँ पर जो धांधली की जा रही थी उसी तरह से यहाँ पर जोक सपाट के अंदर मुन्ना भाई का नाम यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़े मामले को लेकर यहाँ पर जो है सामने आए, जिसमें कि नर्सिंग ऑफिसर में जो पेपर लीक मामले को लेकर यहाँ पर जो है धांधली हुई, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है नकलची वहाँ पर उसके अंदर बैठे हुए थे, पर दोस्तों छात्रों ने कुछ गड़बड़ी पाने के बाद ही यहाँ पर छात्रों ने हंगामा करते ही सूचना पर यहाँ पर जो है थाना की फोर्स यहाँ पर मौके पर पहुंची, यानी कि दोस्तों उम्मीदवार जिस हॉल में बैठे हुए थे उन्हें इन बातों का लेकर कुछ शक हुआ, जिनके कारण उन्होंने हंगामा किया और लगातार जो है यहाँ पर जो है एग्ज़ाम हॉल के अंदर यहाँ पर थाना को आने के लिए यहाँ पर जो है तुरंत यहाँ पर आदेश दिया गया और इस मौके पर दोस्तों थाना की फोर्स पहुंचकर यहाँ पर जांच की। पर दोस्तों जांच में क्या निकला वो मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ, जिसमें कि दोस्तों एक बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर में यहाँ पर परीक्षा के अंदर 11 मुन्ना भाई पकड़े गए, यानी कि दोस्तों 11 जो नकलची थे, यानी कि जो धांधली कर रहे थे 11 उम्मीदवारों ने वहाँ पकड़ा गया। उसके बाद यहाँ खुलासा चला कि जब परीक्षा देकर बाहर निकले अन्य छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया और सूचना मिलते ही मौके पर यहां पर जो है एसपी चकेल से मिश्रा सहित एवं अन्य थानेकर्मी पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पर जो है एसपी ने मामले को लेकर यहां पर जो है गहन जांच की और इसके बाद यहां पर खुलासा करने को कहा इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों फाइनली क्या हुआ वो यहाँ पर देखते हैं कि बताया जा रहा है कि 11 मुन्ना भाई को हिरासत में ले लिया गया है, यानी कि दोस्तों उस समय जो उम्मीदवार पकड़े गए उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही दोस्तों यहां पर इतना ही नहीं, पुलिस ने उनके साथ ही मोबाइल एवं अन्य सामान का यहां पर जो है कागजे भी मिले हैं। इसके दौरान यहां पर जो है कॉलेज के स्टाफ से भी यहां पर जो है हिरासत में लिया गया है, यानी कि दोस्तों यहां पर उन धांधली उम्मीदवारों को तो साथ ही लिया गया है पर दोस्तों इस दौरान कॉलेज के कुछ स्टाफ है उनको भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पूरे मामले को लेकर यहाँ पर जो है दूसरी पारी की है, यानी कि दोस्तों जब दूसरी पारी की पैटर्न थी उसके अंदर यहाँ पर किया गया है हंगामा करने के बाद छात्र ने यहाँ पर जो है कॉलेज प्रेस में हंगामा किया कर दिया था, जिसे एसपी यहाँ पर जो है चिकित्सा मंत्र पहुँचे। यहाँ पर जो है चकेंद्र मिश्रा का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जाँच की जाएगी, प्रक्रिया खुलासा की जाएगी और इसके अलावा यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जानकारी कैसे मिली, अंदर के परीक्षा देने वाले कैसे पहचाने गए, छात्रों ने कहा कि यह आरोपी
जो यहाँ पर जो है लोगों को पकड़े गए थे वो पहले से ही सारे प्रश्न के उत्तर लिखे हुए थे। यानी कि दोस्तों जो उम्मीदवार थे उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर पहले ही यहाँ पर जो है यहाँ पर लाए हुए थे, और इसके अनुसार यानी कि दोस्तों उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों का डाउट होता है कि अगर कुछ ना कुछ जो है स्टूडेंट के अंदर यहाँ पर दिक्कतें पाई जाती हैं, इसलिए इसके अनुसार लगाया जा रहा है कि ये पेपर लीक से जुड़ा मामला है इन चीज़ों को लेकर। शायद दोस्तों कॉलेज लेक्चरर से भी यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा पूछताछ की गई है। तो यानी कि दोस्तों अब सवाल होता है कि अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई बड़ा एक्शन नहीं आया है। यानी कि दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं कॉलेज के स्टाफ और जो यहाँ पर जो धांधली करने वाले उम्मीदवार थे उनके पास सारे प्रश्न पहले ही से आ चुके थे, उनके कागज़ों में लिखे हुए थे, और उन्हें सिर्फ यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट का वहाँ पर काम करना था। तो इन चीज़ों को लेकर पर दोस्तों अब जो है यहाँ पर जो है सीतापुर से क्या अपडेट आती है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि इसमें साफ साफ यह बताया गया है कि मौके पर ऐसी ऐसी जो बातें थी वो लगातार चल रही थी। तो इन चीज़ों को लेकर पर उम्मीदवारों की राय क्या है वो भी एक सबसे बड़ा सवाल करता है। पर दोस्तों प्रशासन जो है फिर से इन चीज़ों की जांच करेगी, और जांच करने के बाद अगर रिपोर्ट में यानी कि दोस्तों रिपोर्ट में अगर कहा जाता है तो उस जगहों का वहां पर जो है सीतापुर के उस सेंटर का फिर से दोस्तों यहां पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है, वो सारे सेंटरों को एग्ज़ाम को कैंसिल कर। पर दोस्तों देखना है कि अब जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसके रिगार्डिंग क्या एक्शन लेती है, क्योंकि दोस्तों ये छोटी मोटी नहीं एक बहुत बड़े लेवल पर धांधली है। क्योंकि कॉलेज के स्टाफ का भी इसमें मिलना, प्रशासन द्वारा उन्हें यहाँ पर पूछताछ के लिए यहाँ पर जो है बुलाना, उम्मीदवारों को भी यहाँ पर जो है 11 उम्मीदवारों को भी हिरासत में लेना, वो एक सबसे बड़ी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाता है। तो इन चीज़ों को जोड़ते हुए अगर आप देखेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर के 260 पोस्ट में भी यहाँ पर दोस्तों बड़ी लेवल की धांधली की गई है। पर दोस्तों यह एक सेंटर की बात है, हो सकता है कि अदर सेंटर पे भी कुछ हो, उम्मीदवारों को कोई चीज़ ना पता चले। क्योंकि दोस्तों अगर उम्मीदवारों द्वारा हल्ला नहीं किया गया था, अगर प्रशासन को नहीं बुलाया गया होता तो यह भी एग्ज़ाम जो है उन उम्मीदवारों द्वारा, नकलचियों द्वारा इस एग्ज़ाम को यहाँ पर जो है सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था, और उन उम्मीदवारों के साथ बहुत धोखा होता जो उम्मीदवार लगातार अपनी एग्ज़ाम के लिए पूरा फोकस पूरे तैयारी कर रहे थे इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों देखना है कि अब जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या कहा जाता है। जैसे ही दोस्तों रिपोर्ट आएगी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को टाइम टू टाइम ज़रूर शेयर करूँगा। पर दोस्तों अभी तक के लिए नकलचियों के लिए यही अपडेट थी, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई और अपडेट आएगी तो उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।